गुरोर्वष्टकम्। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तृत हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सुंदरी पत्नी, धन, पुत्र पुत्र, घर एवं सवजन आदि प्रारब्ध से सर्वसुलभ हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? वेद एवं षट वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हों, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हों, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग्दिगांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हों, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जिनका मन भोग, योग, अश्व, राज्य, स्त्री सुख और धनोपयोग से कभी विचलित न हुआ हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त न हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जो यति, राजा, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के वचन में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छितार्थ एवं ब्रह्मपद इन दोनों को संप्राप्त कर लेता है, यह निश्चित है।